नक्सलग्रस्त गोंदिया जिले के अति संवेदनशील क्षेत्रों में जान जोखिम में डालकर अपनी ड्यूटी निभाने वाले पुलिस विभाग के कर्तव्यदक्ष अधिकारियों व कर्मचारियों को अब डेढ़ गुना वेतन व महंगाई भत्ता देने का आदेश दे गए हैं। नक्सलग्रस्त गोंदिया जिले के अति संवेदनशील क्षेत्रों में जान जोखिम में डालकर अपनी ड्यूटी निभाने वाले पुलिस विभाग के कर्तव्य दक्ष अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वर्ष 2011 से नक्सल विरोधी अभियान हेतु डेढ़ गुना वेतन दिया जा रहा था, परंतु वर्ष 2021 के अप्रैल माह से बिना कोई आदेश जारी किए इनका डेढ़ गुना वेतन बंद कर उनके मनोबल को तोड़ने का प्रयास पिछली मविया सरकार ने किया था। नक्सलग्रस्त जैसे अति संवेदनशील गोंदिया जिले के पुलिस कर्मियों के इस गंभीर विषय को लेकर गोंदिया भंडारा विधान परिषद क्षेत्र के विधायक डॉक्टर परिणय फुके ने संज्ञान लेकर सत्ता में आई शिंदे फडणवीस की सरकार में 24 सितंबर 2022 को उप मुख्यमंत्री व राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर व भेंट कर गढ़चिरौली जिले की तर्ज पर गोंदिया जिले के नक्सल विरोधी अभियान में शामिल पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को पूर्व की तरह डेढ़ गुना वेतन व महंगाई भत्ता देने की मांग की थी। इस पत्र का संज्ञान लेकर एवं नक्सल प्रभावित गोंदिया जिले के पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों पर सहानुभूति दर्शाते हुए गृह विभाग को आदेश देकर वेतन डेढ़ गुना करने व महंगाई भत्ता देने के निर्देश दिए थे। उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के आदेश मिलते ही गृह विभाग ने 3 अक्टूबर 2022 को शासन निर्णय NAX 0720 प्रकल्प क्रमांक 110/1 मुंबई जारी कर नक्सल अभियान में कार्यरत पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन में डेढ़ गुना बढ़ोतरी कर महंगाई भत्ता लागू कर दिया है। वेतन में डेढ़ गुना बढ़ोतरी होने व महंगाई भत्ता के आदेश मिलने पर पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मियों ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधायक डॉक्टर परिणय फुके का आभार व्यक्त किया व खुशी जाहिर की। केसरी उजाला न्यूज के लिए गोंदिया से रवि आर्य की रिपोर्ट।